अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम एमएस निजामी आप सबका अपने चैनल हकीम और खिदमत में इस्तकबाल करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ऊपर वाले से कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों देखिए, आज हम आपको अपना एक खास सुफूफ़ निज़ामी, इसके बारे में हम आपको बतलाएंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके इस्तेमाल करने से नौजवान कैसे खुश व खुर्रम और हसास व बसास ज़िंदगी गुजारते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो सुफूफ है इसके अंदर कम चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही ताकतवर और उम्दा चीज़ें जिनका मिजाज गर्म है वो रखी गई हैं। तो दोस्तों, सुफूफ़ निज़ामी के इस्तेमाल से नौजवान के अंदर अगर मर्दाना ताकत में इतनी ताकत है कि जब वो अपनी जोजा, अपनी बीवी या अपनी वाइफ के साथ हम बिस्तरी करता है तो वो आधा घंटे या 15 मिनट में फारिग हो जाता है, तो इस नुस्खे के इस्तेमाल से उसके अंदर इंसाक यानी रुकावट की ताकत पैदा हो जाती है और वो इसके इस्तेमाल से कम उसके अंदर आधा घंटे का इजाफा हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों, ये सुफूफ ख़ास तौर से इमसाक के लिए है, रुकावट के लिए है और वक्त इसका इस्तेमाल है। तो अगर नौजवान सर्दियों के मौसम में इसका इस्तेमाल मुसलसल 1 महीना लगातार करते रहें तो उससे कोई नुकसान नहीं है बल्कि उससे बहुत ज़्यादा फायदा है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इन दवाइयों के नाम बतलाता हूँ कि इस सुफूफ़ निज़ामी में जो देसी दवाइयाँ हैं दोस्तों, वो सबसे पहले ज़ाफ़रान और फिर है करनफल यानी लौंग। तो इन दोनों की मकदार चूँकि कम है इसलिए ज़ाफ़रान और करनफल यानी लौंग इसके बारे में पहले बतलाया। और फिर दूसरी चीज़ इसमें दोस्तों, बादाम शीरी, अकर करहा, मूसली सफ़ेद, सौंठ। दोस्तों ये 6 दवाइयाँ हैं, खुद भी अगर आप चाहें बगैर लिखे भी इसको याद कर सकते हैं और अगर लिख कर के रख लें तो ये ज़्यादा दिनों तक आपके पास महफूज रहेगा। हिफाजत से आप इसको रखें और ज़रूरत पड़ने पर ख़ुद भी इस्तेमाल करें और अपने दोस्तों, अहबाब, अजीज व अकारीब, मिलने जुलने वाले लोगों को भी इससे फ़ायदा हासिल कराएं दोस्तों और इस्तेमाल करके देखें कि किस कदर इससे फ़ायदा है। तो दवाई का जो वजन है लौंग और ज़ाफ़रान का, ज़ाफ़रान आपने 1 तोला यानी 10 ग्राम ली, लौंग आपको 2 तोला यानी 20 ग्राम लेनी होगी और बाकी की जो दोस्तों 4 दवाइयां हैं जैसा कि बादाम शीरी और अकर करहा, सौंठ, सफ़ेद मूसली, इन चारों की मकदार आपको दोस्तों 4 तोला यानी 40-40 ग्राम लेनी होगी। तो इसी वजन के साथ आप इस नुस्खे को तैयार करें, हावन दस्ते में कूट कर और कपड़ छन करके इसका जो सुफूफ है उसको कांच के मरतबान में हिफाजत से रखें दोस्तों। और इसका जो इस्तेमाल है वो सिर्फ रात में खाना खाने के तकरीबन 2 घंटे के बाद 1 पाव गर्म दूध के साथ सिर्फ दो ग्राम सुफूफ का आप इस्तेमाल करें और दोस्तों फायदा हासिल करें। दोस्तों ये दवाई 2 दवाइयां हैं, मजिस्टिगो कैप्सूल्स और स्टैचो ऑयल यानी तिला तेल, ये मर्दाना ताकत में बहुत ज़्यादा इजाफा करने वाली है। आप इन दोनों दवाइयों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल यानी तिले का मसाज कर सकते हैं और मजिस्टिगो कैप्सूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे भी आपको फ़ायदा होगा। इसी तरीके से और भी बहुत सी दवाइयाँ हमारे दवाखाना ने तैयार कर रखी हैं। दोस्तों एक मरतबा खिदमत का मौका ज़रूर दें और हमारे दवाखाना से दवाई मंगा कर इस्तेमाल करें और अपनी बीमारी को दूर करें, तंदुरुस्ती हासिल करें, फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आइंदा फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।